का क्या होगा? आप होता है तो कल इंतकाल आपका हो गया था, प्लेन मेल कंडीशन बता दी गई थी, उससे ईमेल कैसे बनते हैं देखिए, उसके ऑप्शन दी जाए प्लेन मेल के लिए, ऐसा नहीं है लेकिन बहुत लेट नहीं है। अगर कहा जाता है बेटा कोई आपका बालू तो है ठीक, अगर आप कहीं अपने आप को देखना चाहते किसी मिरर में, तो आपकी हाइट के रिस्पेक्ट में मिरर की हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए कंप्लीट इमेज देखने के लिए? अगर आपको अपना कंप्लीट इमेज देखना है मिरर में, तो मिरर की जो हाइट होनी चाहिए, जो लेंथ होनी चाहिए, वो आपकी लेंथ के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए? हाफ होता है, लेकिन वो भी हाफ की कंडीशन में तब हम कंप्लीटली देख पाते हैं जब उस मिरर का जो टॉप लेवल आपके आई लेवल के क्या हो, ठीक, बराबर डिस्टेंस पे हो, मतलब बराबर हाइट पे हो, तब आपका कंप्लीटली इमेज देखता है। इसीलिए आप देखते हैं घरों में जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसमें जो मिरर लगा होता है, जो मिरर लगा होता है वो मिनिमम आपका क्या जो स्टैंडर्ड होते हैं वो 3.5 फीट लगाते हैं, अदरवाइज 3 फीट, ठीक है, क्योंकि ऑन एवरेज माना जाता है जो हाइट हमारे यहाँ होती है वो 5 से 6 फीट के बीच में होता है। जनरल हाइट जो अपने यहाँ लिया जाता है 5 फीट कितना होता है, 6 फीट की हाइट क्या एवरेज में लिया जाता है। इसीलिए स्टैंडर्ड जो आपके होते हैं उसमें आपको लगभग उसकी हाइट जो दी जाती है मिरर की वो 3.5 फीट लेते हैं, और जो नॉर्मल मिलता है मार्केट में वो लगभग 3 फीट का होता है। अगर 3 फीट है तो उस केस में अगर वो आपके क्या है, मान लो आप 6 फीट के हैं और मिरर आपका 3 फीट का है, तो आपके आई लेवल के बराबर उसका टॉप लेवल होगा, तब कंप्लीट आपका इमेज बनेगा। इसलिए देखो जो भी आपका क्या ड्रेसिंग टेबल मिलते हैं मार्केट में, जो भी आपके आते हैं वो नीचे बेस बनाया जाता है, क्या होता है बेस रहते हैं, वो बेस केवल हमारा उसमें क्या जो भी आप बॉक्स रहते हैं बॉक्स में सामान को रखने के लिए खाली नहीं होता है, उसका कॉन्सेप्ट होता है उसका जो हाइट है वो आपके क्या हो लेवल के बराबर हो, अदरवाइज फिर अगर आपका कैसा है अगर आपके लेवल के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में अगर उसने ही मिरर को निकाल के आप नीचे रख देंगे तो कंप्लीट इमेज आपका क्या प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, तो वो केस आपके होते हैं। इसलिए वहाँ पे जो लेते हैं वो हाफ हाफ लिया जाता है। दूसरी चीज़ होता है, बोला जाता है कि अगर आपको बीच में आप इसे मान लो हॉल है क्लासरूम में आपका है, आप बीच में सेंटर पे खड़े हो और फ्रंट वॉल का क्या फ्रंट वॉल में आपका क्या लगा हुआ मिरर लगा हुआ, बैक वॉल की इमेज को आपको मिरर में देखना है, बैक वॉल के मिरर से क्या इमेज को आपको उसमें क्या करना है देखना है कम्प्लीटली, तब पूछा जाता है क्या हाइट आपका क्या मिरर कितना होना चाहिए मिनिमम। अगर आप बीच में खड़े हो मान लो क्लासरूम है, दोनों वॉल के बीच में सेंटर पे आप खड़े हो, ठीक, फ्रंट वॉल पे मिरर लगा हुआ है, बैक वॉल के कंप्लीट इमेज हमें वहाँ पे देखना चाह रहे हैं, जैसे आप मान लो ये मिरर है अब हम देखना चाहेंगे, तो उस केस में क्या होगा पीछे वाले का इमेज क्या बनेगा यहाँ पे इमेज बनेगा, तो जो कंप्लीट इमेज अगर आपको बैक वॉल का देखना है तो उस केस में मिरर की लेंथ कितनी हो कितनी या कितनी हाइट होनी चाहिए किस वॉल के रिस्पेक्ट में, बैक वॉल के रिस्पेक्ट में जो मिरर फ्रंट वॉल में लगाएंगे वो कितने हाइट का मिनिमम होना चाहिए, कितनी कितनी हाइट के ऑब्जेक्ट रहेंगे h/3 वाले हाथ उठाओ, h/4 वाले, h बराबर यार कि मिनिमम पूछा जाता है, उससे ज़्यादा होगा तब तो दिखेगा। मिनिमम आपका हाइट जो होता है अगर हम लोग सिर्फ अपना देखते हैं तो h/2 की रिक्वायरमेंट होती है, बैक वॉल का देखते हैं और आप सेंटर पे खड़े हुए हैं ठीक, तो उस केस में अगर बैक वॉल का कंप्लीट इमेज आपको देखना है तो ठीक है जाते हैं, तो उस केस में आपको जो नीड होती है मिरर की वो h/3 होता है, अगर बैक वॉल h/2 के हैं तो आपको जो मिरर चाहिए फ्रंट वॉल में तो h/3 हाइट का होना चाहिए मिनिमम, उससे ज़्यादा अगर है तो वो क्या होगा ऑलरेडी दिखेगा दिखेगा ही। हाँ खड़े हैं इस पे देखेंगे तो h/2 और यहाँ से h/2 से हमको उस पर देखना है तो डिस्टेंस डबल हो रही है, तो नहीं नहीं ये नहीं बोला जा रहा है पॉइंट दे दो, आप बीच में खड़े हो, हाँ बस रुक जाओ रुक जाओ, आधा बनेगा नहीं आधा नहीं बनाना है, आप बीच में अरे पहले बात तो सुनो क्या कहा जा रहा है, तुम व्यवस्थित बीच में मिरर ला रहे हो, मिरर वहाँ लगा हुआ है आगे आगे वाले वाल पे और आप इसको नहीं देखना चाह रहे पीछे वाले वाल को देखना चाह रहे हैं, उस मिरर में आप इस वाल को देखना चाह रहे हैं, नहीं आप नहीं देखना चाह रहे हो ठीक, पीछे क्या पीछे जो बैक वाल है उसे आप देखना चाह रहे हो फ्रंट वाले वाल में लगे हुए मिरर पे, तब उस केस में उस मिरर की हाइट जो होनी चाहिए इस वाल की हाइट का 1/3 थी, समझे, और जो हम सोच रहे थे वो आप कुछ और ही सोच रहे थे वो h/2 बोल रहा था, अब क्या आप सोच रहे हैं ये पहले आप बताएंगे ना तो बताएंगे ना क्या आएगा, फिर जो नीड है वो आप जान लीजिए पीछे वाला जरूरत है तो h/3 आप अपना देखना चाहेंगे तो h/2 ठीक, चलो देखो।
तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे कॉनकेव के से, अब हेडिंग करेंगे। कल हम लोगों ने मिरर के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया था, ठीक। तो उस केस में जब मिरर से आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे, कैसे आपका इमेज का फॉर्मेशन, फोकल तो वगैरह बता दिया था ना, चलिए लिख लिया, बाकी सारे इंटरवेंशन भी समझा दिया था। हेडिंग करेंगे बेटा, इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। अगर बेटा हम कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, आज ट्रैफिक था इसलिए, चलो ठीक। पापा थे ना टाइम से, चलो ठीक, मतलब उन्होंने अपने रिस्पांसिबिलिटी को टाइमली पुष्ट कर दिया था, चलो ठीक। ऑक्सीजन सिलेंडर रास्ते में जा रहा था, चलो ठीक। तो उसके इसमें क्या होगा बेटा, अगर इमेज फॉर्मेशन हम लोग कॉल किए क्या मिरर से करते हैं, तो पहला केस होता है मैंने आपने कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे प्रेजेंट है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इनफिनिटी। याद रखेंगे बेटा, ऐसा सुन लीजिए कुछ पॉइंट, आपको लेंस और मिरर दोनों में काम आता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वहाँ से आने वाली जो रे होती है उसे पैरेलल कंसीडर किया जाता है। कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, वो मे बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और मे बी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पेज पर एक्सेस के भी पैनल आप कंसीडर करते हैं या, लेकिन जो भी रे आएंगे वो हमेशा पैनल ही रहेंगे, ठीक। और अगर कोई भी रे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो ऑलवेज इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे होता है। अगर ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे है, इनफाइनाइट पे है, तो उसका इमेज जो बनता है ऑलवेज उसके कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और वेव के बीच में होता है, इनफाइनाइट और टू एफ के बीच में होता है, तो इमेज बेटा एफ और टू एफ के बीच में बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ शिफ्ट कर दिया, टू एफ पे, टू एफ यानी कि सी, ठीक, तो आपका इमेज जो होगा वो सी में ही बनेगा, ठीक है, और सेम साइज का रहेगा यहाँ पे। तीसरा होता, अगर आपका टू एफ यानी टू एफ और एफ के बीच में है, तो इमेज जो होगा अब क्या करेगा, कहाँ से टू एफ के बियॉन्ड जाता है, यानी सी से बियॉन्ड जाएगा। और जब आप एफ पे ला के शिफ्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज फिर उसका कहाँ, इनफाइनाइट पे बनेगा। और जब हमें एफ और क्या एफ और पी के बीच में रखेंगे, तो उस कंडीशन में इमेज जो होता है वो इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल होगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक। तो कंडीशन वही करनी है हमको बेटा, देखो पेन आपके लिए प्रेजेंट एट इनफिनिटी, ये कंडीशन पहले हम ले लेंगे बेटा, ये पी है और ये एफ है और ये सी है, और रे हमारे कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। अगर जो रे आपकी आ रही है वो इनफाइनाइट से, याद रखें बेटा इनफाइनाइट से आने वाले रे ऑलवेज पैरेलल हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक। फिलहाल यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल ले रहे हैं, तो अगर पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आती है, फोकस से, वो फोकस से आपकी आती हुई है, फोकस से क्या करेंगे बेटा, पास आउट रियल की वर्चुअल, अगर रे बेटा रिफ्लेक्ट होके चाहे रिफ्लेक्ट हो
आने वाली रे वही रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के ट्रायल बनाती है इमेज, उस केस में ऑलवेज रियल होती है। कैसे होंगे ऑलवेज रियल होंगे। अगर हाइपोथेटिकली हम लोग कंसीडर करते हैं तब वहाँ पे हमारा इमेज जो होता है तो इमेज कैसा मैग्नीफाइंग पावर आई बाई ओ के रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मैग्नीफाइंग पावर होता है ये उसकी वैल्यू जो होता है बेटा ये एम वी आई बाई ओ लेते हैं साइन आप रखेंगे आई बाई ओ होगा विद साइन को लेंगे। तो यहाँ पे जब निकालोगे मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आई बाई ओ तो आपकी बार एम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन लेस लेस देन आपका क्या होता है माइनस वन माइनस इसलिए रहते बेटा क्योंकि क्या है इन्वर्टेड इन्वर्टेड है मतलब नीचे की तरफ आपका होगा। अभी तो पॉइंट से पॉइंट नहीं पता नहीं चला वो कैसा है बट अगले डायग्राम में हमारा क्या होगा अगले आपको उसका सेम देखने लगे इन्वर्टेड है ठीक। इन्वर्टेड है तो उस केस में क्या होगा एम की वैल्यू लेस देन माइनस वन हो जाएगा ठीक। दूसरा आपका है वैन लिख दीजिएगा बट वेरी डिमिश मत करिए वेरी का मतलब बहुत छोटा हो जाएगा ठीक।
ज्यादा कितना वही रहेगा स्मॉलर देन आप देख कर दो, स्मॉलर देन क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा होता है आपका छोटा होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, एम की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो एम की वैल्यू लेस देन प्लस वन की माइनस वन, आप बता दो प्लस वन की माइनस वन बेटा प्लस वन, कैसे प्लस वन आएगा आप जरा समझा दो हमको भी, प्लस वन कैसे आएगा, ये इक्वल टू आई बाई वो होता है। ठीक, वो प्रिंसिपल एक्सेस कैसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस मुख्य अक्ष से कहा जाता है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस बोला गया था, प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की जो डिस्टेंसेस होंगी पॉजिटिव, नीचे वाले निगेटिव। ठीक, पोल से लेफ्ट की डिस्टेंसेस को निगेटिव, राइट के डिस्टेंसेस को पॉजिटिव हम लोग लेते हैं साइन कन्वेंशन में। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से आपको फाइंड आउट करना था, आपके टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं जी, जी कितना मिला 200, कहीं घट गया चलिए फिलहाल, लेकिन अपने जो कर्तव्य है उनको मेंटेन रखिए। साइन कितने लोग करेंगे हुआ है अभी, आप हो गया पकड़ा दूंगा। ठीक, देखो जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी हमारी लाइफ में एडवर्स कंडीशन आती हैं, बट हम अपनी रिस्पांसिबिलिटी को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब आपको पेपर मिलेगा ना तो वो मेरिट से बनेगी, यदि वहाँ पे देखा जाता है कौन किस इन्वायरमेंट में किस कंडीशन में पढ़ा हुआ है, ऐसा रहता है क्या अलग अलग ऑप्शन, भाई साहब गांव से पढ़ने वाले को इसका, यूपी बोर्ड वालों को इसको, सीबीएसई वालों को इसको, एएससी में पढ़ने वाले को इसको, डीसी में पढ़ने वाले को इसको, ऐसा कुछ है क्या क्राइटेरिया नहीं है ना। तो सिचुएशंस हमारे जो भी हैं बेटा, एडवर्स हो या हमारे लिए फेवरेबल हो, उन सब में हमें अपने आप को क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, तभी आउटपुट मिल पाता है। कितना मिला, अब नहीं हो पाई है अभी, गलत चेक हो गई, कैसे गलत हो गई, कहें खाले आप आयो किए थे, क्या यार तो लोग कम महान अलायगी करते रहते हो क्या, नीटो में एक बार बायो का डाल रहा है, फिजिक्स का डाल, केमिस्ट्री का डालना है, कहते हैं आपकी बार हम टॉप करेंगे बायो लेके, हाँ क्वेश्चन किया था लेकिन बबल नहीं भरा था बस, वैसे साइंस में है फिजिक्स में 27 कोई से पेपर में कर ली तो उमर में नहीं, उमर नहीं भरा, उमर का नहीं भरा, केमिस्ट्री में 37 सही थे, की होती सब बहुत नंबर भरा नहीं था बस बार भर के चला गया, की होती मतलब अजीब हो अजीब कहानियाँ हैं तुम लोगों की, टोटल आ रहा था 612 आ रहे थे, 612 60 नंबर माइनस करके 596 आ रहे थे, लेकिन मैंने भरा नहीं था, बार भरा था, इतनी बड़ी महान काम का है आपने कर दिया है, वो हमसे बोले तुम्हारी वजह से देखो भैया, बाकी टाइम दोस्ती एग्जाम में कोई दोस्ती नहीं होती है, ना दुश्मनी ना दोस्ती, जितना आपको आता है उतना करिए, अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करिए, नहीं टॉप थ्री में लाना, टॉप टू में लाना आपके लाने, उनके करने से, उनके करने से आपके लाने से नहीं होगा। माइनस वन दे दीजिए, इन्वर्टेड है, ऐसे कसम खा लो जब तक इन्वर्टेड रहेगा तब तक माइनस रहेगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, कहते ना भगवान की कसम, मतलब ये बदल नहीं सकता, अगर वो रियल है कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा तो वहाँ पे माइनस में मिलेगा। ठीक, हो चाहे लेंस हो चाहे क्या हो आपका मिरर, उधर भी पास कर दो बेटा। ठीक, एम की वैल्यू क्या होगा, लेस देन माइनस वन हो जाएगा। अगला कंडीशन हम लोग देते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड, कितने पे बेटा, सी सी आपका प्रोजेक्ट है, आप देखते हैं आपके प्रोजेक्ट है बेटा सी आर टू,
रहे हैं आप। अगर आप देखो आपने सी पे रखा, सी पे रखेंगे तो एक दिन बेटा सीधा सीधा जाएगा, तो सीधा जाता कहाँ से पड़ता है बेटा, जो सीधी ले जाती है कहाँ से पास होती है, फोकस फोकस ठीक कहाँ से फोकस, तो उसमें आपका फोन पे सिलेक्ट करा दो, और वही हमारा इमेज बना, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या बनता है आपका इमेज का पार्टीशन होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या हो जाएंगे आपके सेम सेम साइज के हो जाएंगे। यहाँ पे देखो रियल इमेज के बारे में लिखेंगे, जब रियल इन्वर्टेड ठीक एट सी ठीक एंड सेम साइज कैसा होगा बेटा, सेम साइज और यम की वैल्यू आपकी क्या होगा, ये एम की वैल्यू माइनस वन इक्वल टू कितना माइनस वन, क्या है आई ऑफ पूरा सेम साइज का हो गया, एम प्लस वाई बाई वो होता है बेटा ठीक है, इन्वर्टेड है तो नेगेटिव हो गया, साई बाई लो दोनों के बराबर हो गया तो सेम साइज हो गया ठीक है। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है ठीक। नेक्स्ट होता है आपका देखो, आपको ऐसा कोई जुगाड़ लगाइए कि वहाँ पे हो जाए, वहाँ पे यहाँ तो आपस की बातें हैं ना ठीक, बट ऐसा कुछ करिए कि क्या हो वहाँ पे हो ठीक, नहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना, ये बहुत मेहनत करिए, बहुत योद्धा इस फील्ड में हैं ठीक, बहुत ही क्या धुरंधर धुरंधर हैं ठीक, इतना करिए कि जो वहाँ पे फिर आपको डाउट ना रहे कि हाँ ये इंटमट वाला ठीक है, क्योंकि आप जितना भी एफर्ट, ये लास्ट जो मोमेंट बच रहे हैं ये दो महीना ढाई महीना जो आपके पास बचा हुआ है यही आपके रिजल्ट को कन्वर्ट करता है, बाकी तो अभी जो आपने पढ़ा हुआ आपके नॉलेज को बढ़ाया, अब ये जो दो तीन महीना पढ़ेंगे इधर जो भी टाइम आपके पास बचता है वो आपके रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, इसी में दो महीना ढाई महीना जो मेहनत जी जान लगा के कर लेगा वो उधर, नहीं तो बाकी इधर वाला तो आप ही है ना ठीक, इसलिए थोड़ा सा जितना एफर्ट कर सकते हैं उतना कर लीजिए ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे बेटा सीधा खींचेंगे बेटा तो सीधा बनेगा इमेज, नहीं तो यहाँ पे देखो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो इमेज सी और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा ठीक, आपके पास इमेज बड़ा है कि छोटा है ऑब्जेक्ट से आप बता दो, बड़ा है जब बड़ा है तो मैग्नीफाइंग पावर एक से बड़ा है एक से छोटा, मैग्नीफाइंग पावर एक की वैल्यू एक से बड़ी आएगी एक से छोटी बड़ी आएगी, क्योंकि आई बाई वो होता है आई की वैल्यू ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट है तो मैग्नीफाइंग पावर ग्रेटर देन वन, बट साइन नेगेटिव इसलिए होगा, यहाँ पे ध्यान रखना नेगेटिव साइन का मतलब प्लस नहीं होता है, नेगेटिव साइन का मतलब इन्वर्टेड होता है ठीक।
लार्ज, इन लार्ज मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है बेटा। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा है, बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गया। मैग्नीफाइंग पावर की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन क्या, माइनस, माइनस इसलिए है कि इन्वर्टेड है, ठीक। और जब तक नियर है तब तक इन्वर्टेड है, ये भी यूनिवर्सल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट एम, अगर फोकस के ऑब्जेक्ट पर शिफ्ट कर दिया जाए, कहाँ पे फोकस पर शिफ्ट कर दे बेटा, तो कंडीशन क्या होगा देखो। आपने तो अपने फोकस पे किया, हमेशा एक रे को हम जितना डायग्राम बनाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाते हैं बेटा, ठीक। और जो भी पैरेलल जाती है वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्या करेगा आपका, जितने में जाके इंसिडेंट हो उतने भी क्या करेगा रिटर्न बैक हो जाएगा। अब देखो ये दोनों रे जो आ रही है रिफ्लेक्टेड जो रे बीम आपकी है, जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो दोनों कैसे दिख रही है, पैरेलल। और पैरेलल केस जैसे पहला वाला केस लिया था इंफिनिट से आने वाली पैरेलल थी, फिर अगर पैरेलल ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी ये फिर दोबारा कहाँ जाएंगी, इनफाइनाइट पे हम लोग कंसीडर करते जाके नई इमेज का पार्टीशन करेंगे, कहाँ पे इमेज बनाएंगे बेटा, इनफाइनाइट पे इमेज बनाएंगे। इमेज जब आप इमेज करोगे तो रियल ठीक इन्वर्टेड होगा, अभी इनफाइनाइट पे बनेगा तो भी रियल ही रहेगा ध्यान रखेंगे, ठीक। इन्वर्टेड होगा एट इंफिनिटी, एट इनफाइनाइट वेरी लार्ज, वेरी क्या हो गया लार्ज हो गया, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होगी, मच मच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस वन हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू होगी मच मच ग्रेटर देन माइनस वन, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं एम की वैल्यू, मच मच ग्रेटर देन कितना है आपका, माइनस वन हो गया। तो ये केस आपका जो फोकस पे रखा तो इनफाइनाइट पे, जब इनफाइनाइट से रखा था तो फोकस पे बनता था, ठीक। लास्ट नाम की कंडीशन बनती है when object is lying between F and P, focus of pole के बीच में अगर आपके आपका object present है, object is lying between F and P, focus of pole के बीच में अगर आपका object present है तो उस condition में क्या होगा आप देखो। वर्चुअल होगा, ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। इस केस में क्या होगा देखो,
अभी तक जितने भी हम लोगों ने बनाया था बेटा वो सारे कैसे थे रियल। अभी फर्स्ट केस में कैसा बना है ये वर्चुअल बना, वर्चुअल कैसा है बेटा डायरेक्ट सीधा बिहाइंड पीछे बनना बेटा बिहाइंड मिरर इन लार्ज बताओ ऑब्जेक्ट की तुलना देखो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा ही बनता है प्लस वन होता है तो ये केस आपका बनता है। यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे क्या होगा कैसे होगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा होता है इमेज फॉर्मेशन बाय किससे कॉनकेव। जब कॉनकेव मिरर से हम लोग फाइंड करते हैं तो दोनों जो इमेजेस बनते हैं वो ऑलवेज वर्चुअल ही बनता है बेटा। कैसे बनता है वर्चुअल बनता है और डिमनेस जो होता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कि रियल भी बना सकते हैं कॉनवेक्स मिरर से क्या इमेज रियल भी बनता है या नहीं बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इमेज कैन बी फॉर्म रियल और नॉट उसमें जो है आपको फोर्स वगैरह जो डिफिनीशन जो कंडीशन फ्रैक्शन आप पढ़ते हैं वो फिफ्थ में पढ़ा रहे हैं मतलब तो पागल हो गए क्या प्राइवेट स्कूल वाले मतलब एक कैपेसिटी होती है हमारी कि कब हम उसको क्या रिटेन कर सकते हैं क्या मतलब है ऐसे हाई लेवल का आपको वो प्रोवाइड करने के लिए वो बेसिक जानता ही नहीं है पता लगता उसको ठीक मतलब जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में दिया गया वो फिफ्थ लेवल में हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या मतलब उसको पढ़ने का इसीलिए बच्चे क्या होता है फिर रट्टू मार रट्टा माने जो नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे वो रटेंगे और रटेंगे आगे जाके फिर देखा ठीक। जैसे आपकी जो सिलेबस डिस्क्राइब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब है वो आपकी एज के अकॉर्डिंग बनाई गई है कि बच्चा किस लेवल पे क्या चीज़ गैप्स कर सकता है। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारी कंडीशन आ रही है सुसाइड की सुसाइड कौन कर रहा है एक कोई भी वर्ड वाले बचा दो जो सुसाइड किया हो एक ही बता दो इकलौता एग्जांपल ठीक। सुसाइड कौन कर रहा है जिन्होंने बेबी से ही क्या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था रट के तो वहाँ तक चले गए अब जब कंपटीशन के लिए आए तो सारी चीज़ें गायब हैं ठीक तो पता क्या आ रहे हो अब तो निकल ले ही बढ़िया हैं ठीक। हाँ दिक्कत होती है ना लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एज के अकॉर्डिंग पढ़ा था ठीक उनको रटने की टेंडेंसी कम है समझना ज़्यादा चाहते हैं ये बोर्ड के ही प्रॉब्लम है बोर्ड नहीं जो कॉलेजेस हैं उनकी प्रॉब्लम ठीक। अब बताओ फोर्थ फिफ्थ के बच्चे को हाई स्कूल लेवल की चीज़ें आप पढ़ाओगे तो कितना वो समझेगा नहीं लड़ लेगा मतलब लड़ते रहेगा तो उस लेवल पर थोड़ा खुश है भैया हमने लड़ के डिप्टीशन बना दिया ये कर दिया आगे जब अप्लीकेशन आएगा तो उसकी हैबिट पड़ जाती है कि रटने की समझने की नहीं और ना ही टीचर समझाता ये भी है। अभी प्राइवेट स्कूल में या कल आए थे बच्चों को क्या मैथ रटाया जाता है आपने उनके अकॉर्डिंग लगाया तो सही है नहीं है तो गलत है मतलब वो जिस मेथड को फॉलो किया आपने उस मेथड को फॉलो किया तो राइट अदरवाइज रॉन्ग। ये कहानियाँ हैं यार ऐसे बोर्ड कोई ख़राब नहीं होता बोर्ड में जो हमारे सिस्टम आजकल चल रहे हैं वो गड़बड़ है हो गया बेटा। चलो
माइनस राइट वर्ड है। देखो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के होगा कॉनकेव केस में देखो बेटा पॉइंट बनता है जब ऑब्जेक्ट जो आपने ऑब्जेक्ट दिया है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज आपका फोकस पे बना था। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था आपका इनफाइनाइट पे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ था फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से चल के टू एफ यानी सी तक आया था तो इमेज देखो आपका कहाँ से एफ से चल के सी पे पहुँचा था। मतलब इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट चला कितना इनफाइनाइट टू सी इमेज वनली शिफ्ट हुआ एफ टू सी यानी एफ टू टू एफ या एफ टू सी किया। ठीक इसका मीनिंग ये हो गया कि इनिशियली जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी और इमेज की वेलोसिटी बहुत क्या होगी कम होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ से चला था इनफाइनाइट से पहुँचा बेटा सी तक उतने टाइम में इमेज उसका वनली ट्रांसफर हुआ कहाँ से शिफ्टिंग हुई एफ टू सी। ठीक दैट मीन्स इनिशियली जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है या वेलोसिटी है वो मच ग्रेटर देन इमेज होता है। ठीक जब ऑब्जेक्ट एफ सी पे पहुंच जाएगा सी से जितने टाइम में रिटर्न बैक एफ पे आ रहा है उतने टाइम में इमेज फिर से सी से कहाँ पहुंच जा रहा है इनफाइनाइट यानी उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो गई कम हो गई और इमेज की स्पीड क्या हो गई लार्जर हो जाती है। ठीक मतलब इनिशियली स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन इमेज एंड आफ्टर सी स्पीड ऑफ द इमेज इज मच ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है यहाँ पे क्या लिखा था ये ऑब्जेक्ट है नहीं आपकी जा रही है ये लाइन जो पैरेलल है होगी वो फोकस से आती है
जिस पॉइंट पे कट करेगा ये पॉइंट होगा हमारा क्या, यहाँ पे ईमेल बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट था आपका, उसका ईमेल देखो यहाँ पे बन रहा है। तो जब हम लोग दिखाएंगे अबाउट ईमेल तो कैसा बना, वर्चुअल की क्लियर, वर्चुअल इरेक्ट की इन्वर्टेड, देखो कैसा बना है इरेक्ट, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट है, सीधा ईमेल है, दिख रहा है ना इरेक्ट, कहाँ पे ये फोकस है बेटा, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड मिरर कर दो, बिटवीन फोकस एंड मिरर, मिरर और फोकस के बीच में बनेगा और निम्बस जो होगा स्मॉल साइज, कैसा है निम्बस मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, निम्बस देखो या स्मॉलर देन का होगा ऑब्जेक्ट हो गया, मैग्नीफाइंग पावर लेस देन प्लस प्लस। जो कॉनकेव मिरर होता है बेटा वहाँ पे हम लोग दो पोजीशन को कंसीडर करते हैं, एक पोजीशन आपका होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्या इनफाइनाइट, और दूसरा व्हेन ऑब्जेक्ट है बिटवीन क्या इनफाइनाइट एंड मिरर, कहीं पे भी आप रखते हैं तो उसके लिए ठीक हो जाएगा। तो ये केस आपका हो गया बेटा इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है भाई आप क्या मिरर कैसे होंगे यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा मिरर फार्मूला बेटा, जी सर, जितना पास लेकर आएंगे इसमें उतना साइज बड़ा होता जाएगा यहाँ पे, हाँ लेंस की तरफ ले आएंगे तो शिफ्टिंग आपकी होती है, बट उसमें भी हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनता है, बड़ा भी होगा बट हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या रहेगा छोटा, कभी भी ऑब्जेक्ट के बराबर या उससे बड़ा बड़ा नहीं बन सकता है ठीक। तो जो इमेज यहाँ बनेगा ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहता है ठीक। हो गया, नेक्स्ट देखिएगा अगला हेडिंग बना लो मिरर फार्मूला, अब इस पर मिरर फार्मूला लिख लीजिए तब उसके बाद फिर क्वेश्चन कराएं, मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन कर लीजिए। देखिए मिरर फार्मूला होता है इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द क्या फोकस ठीक एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में बेटा जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग टर्म देते हैं मिरर फार्मूला, क्या कहेंगे उसे आप मिरर फार्मूला कहते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस एंड क्या फोकल लेंथ ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए वैसे फॉर ए स्फेरिकल मिरर it is the relation between distance of object उसको दिखा देता है यू से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर जो यू सामा डिस्टेंस ऑफ इमेज बी एंड फोकल लेंथ ऑफ द क्या मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर सबको फार्मूला याद होगा 1 by u ठीक। हम लोग लिखते हैं जब मिरर फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे u हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्या मिरर, v हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, f हो गया फोकल लेंथ। फार्मूला यूज करते समय साइन कन्वेंशन को कंसीडर करते हैं, फार्मूले को यूज करते समय साइन कन्वेंशन को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, साइन के साथ आप रखेंगे इनकी क्या वैल्यूज, जो वैल्यूज है वो उसको साइन के साथ आप वहाँ पे पुट करेंगे ठीक है, जब निकाला जाएगा न्यूमेरिकल ठीक। दूसरा लिख लीजिएगा मैग्नीफिकेशन,
मैग्नीफिकेशन। देखो जो मैग्नीफिकेशन हम लोग डिस्कस करते बेटा, यहाँ पे तीन टाइप का करते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या करेंगे बेटा, लीनियर मैग्नीफिकेशन जो आपका क्या ऑब्जेक्ट वगैरह जैसे बेस पर एक्सेस के वर्टिकली रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो या फिर डिस्टेंसेस के बेस पर हम लोग रिलेट करते हैं। दूसरा आपका होता है बेटा कौन सा, एक्सियल मैग्नीफिकेशन। अगर ऑब्जेक्ट को अलोंग द एक्सिस रखा गया है, अलोंग द क्या एक्सिस, जैसे ये मान लो मिरर है, हमने ऐसे ऑब्जेक्ट को रखा ठीक, तो अलोंग द एक्सिस रख देते हैं, उसके हिसाब से हम लोग एक्सियल मैग्नीफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सियल मैग्नीफिकेशन कहेंगे। और तीसरा होता है बेटा एरियल मैग्नीफिकेशन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ वेट हाइट तीनों दिया है, तो अगर एरिया ऐसे है, लेंथ और विड्थ है, इस टाइप का रखेंगे तो उसके इसमें जो इमेज आपके इसका बनेगा तो एरिया में चेंजेस आएंगे ठीक। तो उसके इसमें हम लोग उसे नाम देते हैं एरियल मैग्नीफिकेशन। पहला हो गया लीनियर, दूसरा ले लिया हम लोगों ने एक्सियल, और तीसरा ले लिया हम लोगों ने एरियल। तो थ्री टाइप के मैग्नीफिकेशन हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं बेटा। थ्री टाइप के क्या मैग्नीफिकेशन आप डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब पढ़ते थे तो वहाँ पे हम लोग लीनियर वाला पढ़ते थे, बोर्ड में मोस्टली क्या पढ़ते थे लीनियर वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है ठीक है। यहाँ पे भी पुटअप जो होता है मोस्टली लीनियर ही पूछा जाता है, बट आपको कभी कभी एक्सेल वगैरह पे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो लिख लीजिएगा द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाई मिरर्स आर आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स पहला लिखिए लेटरल मैग्नीफिकेशन। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली रखते हैं ठीक। लिखना व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस then the magnification is called lateral or transverse magnification। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। फार्मूला लिखेंगे, बेसिक रिलेशन वही होता है बेटा हर कंडीशन में, एम इक्वल टू आई बाई यू। लेकिन अब यहाँ पे जब हम लोग यू और वी के टर्म में एफ और यू या एफ और वी के टर्म में करते हैं तो रिलेशन फिर मॉडिफाई हो जाता है। तो फार्मूला आप नोट कर लीजिए, एम इक्वल टू आई बाई यू इक्वल टू एम इक्वल टू आई बाई यू ये इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इसी को बेटा जब फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ और इमेज की डिस्टेंस के टर्म में लिखते हैं तो वहाँ पे मॉडिफाई करके बनता है, लिखिए इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू और जब इसी को इमेज के टर्म में लेते हैं, इमेज की डिस्टेंस के टर्म में लिखिए बेटा तो क्या बनता है एफ माइनस वी अपॉन एफ, उल्टा हो जाएगा वहाँ पे एफ इमेज की डिस्टेंस दिया है तब कैसे हम लोग वहाँ से डिटरमाइन करेंगे। माइनस के बाद साइन कन्वेंशन भी यूज करना जरूरी है। हाँ, साइन कन्वेंशन के साथ ही हम रखते हैं बेटा। माइनस पहले लगा उसके बाद यू का साइन कन्वेंशन, जो वैल्यू रखेंगे वो साइन के साथ रखेंगे तभी राइट मिलेगा। माइनस तो फॉर्मूले से क्या कह रहा,
माइनस एक फार्मूला से लेगा और हाँ, अंदर आएगा। यहाँ पे ऑलवेज आपका साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे जो उसकी वैल्यूज वहाँ पे हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक, आगे लिख लेंगे एक्सियल, एक्सियल मैग्नीफिकेशन आगे हैं। चलिए ठीक, हेडिंग कर लीजिए एक्सियल मैग्नीफिकेशन, कल करिएगा फिर इस पर क्वेश्चन कर लिए, बाकी कल क्वेश्चन इस पर करवा देंगे। ठीक है।